अब मेरी मेहनत वाले दिन खत्म यार। क्या बात, अब मैं जूनियर आर्टिस्ट नहीं हूँ, मुझे एज ए लीड हीरो पिक्चर मिल गई है। कैरेक्टर का नाम है पप्पू। कहानी कुछ बहुत सिंपल है, इट इज अ वेरी शॉर्ट फिल्म, जस्ट लाइक 15 सेकंड्स। देखिए उसमें होता क्या है कि पप्पू जो है खंडर में जाता है, पीछे पीठ पे एक आदमी उसे गोली मार देता है, पप्पू कुत्ते की मौत मर जाता है। पिक्चर का नाम है खंडर में पप्पू की मौत। उसमें लाइनें बहुत सारी हैं, जब खंजर पड़ता है ना तो मुझे बोलना दस एपिसोड हो गए हैं। दस एपिसोड से कॉमेडी कर रहा हूँ। ये सारे लोग तुमसे पूछना चाहते हैं, दस एपिसोड से तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम जिस फिल्म के लिए आए हो ना, वहाँ की चीफ एडी हूँ मैं। तू फिल्म छोड़, तू चीफ छोड़, तू एडी है। जूही जी, मैंने आपके बारे में एक बात सुनी थी कि आप मिस इंडिया बनना नहीं चाहती थी लेकिन बन गई। आप फिल्म एक्ट्रेस बनना नहीं चाहती थी लेकिन बन गई, क्या ये सच है? काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ लिटिल बिट ऐसा कुछ ऐसा हुआ। आप प्रोड्यूसर बनना नहीं चाहती थी लेकिन बन गई, वगैरह वगैरह। और क्या आगे बोलने वाले हो? देखिए इसका सेम है, बस आपसे उल्टा है। क्या ये मिस इंडिया बनना चाहती थी लेकिन लोगों ने बोला कि हाइट नहीं है। अच्छा। ये एक्ट्रेस बनना चाहती थी लेकिन लोगों ने बोला कि राइट नहीं। अभी ध्यान से इसको देखो, जहाँ ये खड़ी है ना, अच्छी साइट नहीं है, ढंग से खड़ा रहना नहीं आता। देखो इसके मुंह पे लाइट नहीं है। हमारी बातों पर हर कोई हंसेगा, ये खुल के नहीं हंस सकती क्योंकि इसके दांत भी वाइट नहीं है। जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ इसे समझ नहीं आना क्योंकि ये ज्यादा ब्राइट नहीं है। वर्ड प्ले था। अरे वर्ड छोड़, तू प्ले देख। दो डायलॉग बोलने के चक्कर में जूही जी और तब्बू जी के कंधे को हाथ लगा दिया, वो भी बिना मार खाए यार। जूही चावला, ये तुझे पता है मैं इनकी कितनी पागल फैन हूँ? देख ये तूने नई बात बोली कि तू फैन है, पागल है ये तो सब जानते हैं। चुप रह, तुझे पता है मुझे इनके बारे में सब कुछ पता है। सब कुछ पता है? क्या पता है मुझे कुछ पता? क्या बात कर रही है सच्ची? फिर तो कुछ करना बनता है। एक सेकेंड, लाइन मारने जा रहा हूँ। जूही जी आपके लिए एक शेर अर्ज है। वाह। मैं जो भी करता हूँ खुलकर, इसीलिए आज आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता हूँ अपनी औकात भूलकर। ये जो मेरे हाथ में गुल है, कह दो कि आपको कबूल है, प्लीज जस्ट प्रूफ। देखिए अब आप सोच रही होंगे कि एक जूनियर आर्टिस्ट होके मैंने इतनी बड़ी सुपरस्टार को प्रपोज कर दिया, मेरी इतनी हिम्मत हुई कैसे? कैसे? मैंने सुना है, इसने मुझे अभी कान में बताया कि आपको इमरान खान ने प्रपोज किया था। हाँ। बस समझ लीजिए कि इमरान खान ने मुझे प्रोत्साहन दिया है। अगर आपने उसे कुछ नहीं कहा तो मुझे झापड़ नहीं मारेंगे क्योंकि मैं तो फिर भी टैलेंटेड हूँ। यार तू तब से जूही जी के बारे में बात किया जा रहा है, तब्बू जी के बारे में कुछ बोल यार, क्या हाइट है उनकी? अरे तब्बू जी की हाइट तो हाईलाइट है बच्ची, खाली एक ही प्रॉब्लम है, डायरेक्टर लोगों को थोड़ा मसला होता है इसमें। क्यों? अभी देखो पुरानी पिक्चर में हीरोइन की एंट्री कैसे होती थी तब्बू जी, पहले पैर का शॉट आता था फिर चेहरा रिवील करते थे, आपके चक्कर में ये शॉट कभी हो ही नहीं सकता। क्यों? कैसे? पैर का शॉट आएगा, घुटना आते आते इंटरवल हो जाएगा। देखिए फिर आपका फेस आएगा सेकंड हाफ में। अगर तब्बू जी सेकंड हाफ में दिखाई देंगी तो बताओ फर्स्ट हाफ में पिक्चर देखने कौन जाएगा? है ना, तू जाएगा फिर भी जाएगा, बताइए, कहते हैं सच्चा फैन है ना। देखिए देखो यार, तब्बू जी की फेस वैल्यू है, घुटना वैल्यू नहीं है। अब वो बात बता, तुझे तब्बू जी के बारे में सब कुछ पता तो ये पता कि उनकी पहली पिक्चर कौन सी थी? अरे मेरे जैसे फैन के लिए ये कोई बाएं हाथ का खेल थोड़ी है, मुझे पूछना पड़ेगा। तब्बू जी, आई जस्ट वांट टू आस्क यू ए स्मॉल क्वेश्चन, आपकी पहली पिक्चर कौन सी थी? पैर से घुटना। पैर से घुटना ये पहली पिक्चर थी? काफी चली थी? अभी तक चलती जा रही है। एग्जैक्टली। लेकिन देखिए पैर से घुटना हो सकती है आपकी पहली पिक्चर, लेकिन हमने पंच हम नौजवान पे बना लिया है। वो पिक्चर देवानंद जी ने प्रोड्यूस करी थी जी, मतलब कि उन्होंने आपको ढूंढा है? आप ऐसे डांट के क्यों पूछ रहे हैं? मैं रिक्वेस्ट करके पूछ रहा हूं आपसे। नहीं वो क्योंकि ढूंढ सकते हैं, डर रही हूं। वो ढूंढ सकते हैं तब्बू जी, बिकॉज उन्होंने अपना पूरा करियर ढूंढते ढूंढते निकाला है, मतलब कि अगर लड़की सामने भी खड़ी होती थी तो भी पीछे ढूंढते रहते थे उसको। जूही जी, जूनियर आर्टिस्ट की मौत ना
किसी भी पिक्चर में सबसे इलॉजिकल मौत होती है। कैसे? जैसे कि आपकी पिक्चर थी कयामत से कयामत तक, मोहब्बत थी आपकी आमिर खान के साथ, गुस्सा आया दिलीप चाहल को, उसने राइफल चलाई हवा में, छत पे बैठा था मैं निपट गया, इलॉजिकल। तबू जी आपकी पिक्चर थी विजय पथ, अजय देवगन ने लगाया इतना मोटा काला चश्मा, ठीक है, उसकी दुश्मनी थी डेनी डेंजोंगपा के साथ, अंधाधुंध बिना देखे गोलियां चलाई, रेस्टोरेंट में बैठा था मैं चाय पी रहा था, मैं मर गया साले, इलॉजिकल। यार तू ये बता तेरे मरने मनाने का चक्कर कब तक चलता रहेगा? बस अभी हो गया यार। वैसे अब मैंने सोचा अब मैं करूंगा तबूजी से शादी, इसके बाद मैं बनूंगा प्रोड्यूसर, फिर मेरे पास होगा खूब सारा पैसा, मैं ये शो खरीद लूंगा और तुम सब मनहूसों को नौकरी से बाहर निकाल दूंगा। तबूजी मेरे में कोई कमी है? मेरे से शादी करके आप प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं? पैसे कमाना चाहता हूँ, प्रोड्यूसर बनना चाहता हूँ, मोहब्बत पाना चाहता हूँ तबूजी। ओहो, बट मेरे पास खुद पैसे नहीं है तो आपको क्या मैं? ये देखो तबूजी, 5 साल में एक पिक्चर तो करती हूँ। ये देखो तबूजी, ये चांद बन रहा है, मतलब किस्मत की रेखा पूरी हो रही है, एक बार हो गई ना शादी। ये ग्रहण है, ग्रहण ग्रहण बन रहा है। देखो जैसे प्रोड्यूसर का चैनल का सबका विश्वास है कि एक दिन बलराज नाम का ये ग्रहण भी हमारे शो से निकलेगा, वैसे मेरा भी पूरा पूरा विश्वास है कि जरूर ये ग्रहण अलग हो जाएगा और उसके बाद चमक ही चमक है। इसमें मैं क्या करूं? मैं ये चाहता हूं कि आपके दिमाग में अगर हल्का सा भी डाउट है कि मैं आपके लायक नहीं हूं, तो मैं वो अभी के अभी यही के यही राइट नाउ एज इन हियर एंड नाउ बेबी आई विल क्लियर इट। रवि बेटा अब तुम यहाँ से निकल लो। क्यों? क्योंकि तब्बू जी जिसे ढूंढ रही थी वो मैं ही हूँ। आप इसको ढूंढ लो। तुम कैसे इम्प्रेस करोगे इनको? कंपटीशन हो जाए तुम्हारे और मेरे बीच में। कंपटीशन? चलो एक काम करते हैं, लेवल में आ जाओ फिर करते हैं कंपटीशन। इधर आओ, बोलो क्या करना चाहते हो? बेटा पहले तुम शुरू करो। किसी ने ठीक ही कहा, संस्कार ओल्ड फैशन हो गया है, मिमिक्री कर लेते हैं। आ जाओ। ये हिंदू का खून या मुसलमान का खून, ले दोनों को मिला दिया, पता हिंदू का कौन सा मुसलमान का कौन सा? अरे बनाने वाले ने फर्क नहीं किया तो तू कौन? तू कौन बे? अच्छा है, बहुत अच्छा। लेकिन मेरा वाला ज्यादा अच्छा है, तेरा कम अच्छा है। मान लिया कि मेरा कम इसका ज्यादा अच्छा है, मगर यकीन मानो ये खाली देखने में बच्चा है। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघला के उसका आकार बदल देता है। ओए, तेरा सिर्फ हाथ ही नहीं, तेरा मुंह भी मजदूर का है। This is just like a beastie, ma'am. This is not done. This is just like a beastie. Give me last chance, देता हूँ मैं। Hey, रिश्ते में तो हम तुम्हारे पाप लगते हैं। नाम है पप्पू। तुम रिश्ते में लगते हो लेकिन हम तुम्हारे एक्टिंग में पाप लगते हैं। This is like a beastie, ma'am. ये नहीं चलेगा, आप खुद ही डिसाइड करोगे हम दोनों में से कौन बेटर है। नाम है हमारा दिव्यांश द्विवेदी, अच्छा लगेगा तब्बू द्विवेदी। दिव्यांश क्या है, मैं कंसिडर कर लेती तुम्हारा रिश्ता, लेकिन मैं अपने से उम्र में इतने बड़े आदमी से शादी नहीं करना चाहती। तो खैर हमें ये पता चल गया कि इस सेट पे तो कोई भी आपके लायक नहीं। सॉरी, कोई अभी तक नहीं हुआ जिंदगी में कभी, तो ये सेट पे क्या मिल जाएगा मुझे आप बताइए। खैर जोरदार तालियां हो जाए तबूजी के लिए। योर ट्रू स्पोर्टिंग आज सिंपल तरीके से सबको बता दे कि हमारा अगला सेगमेंट रैप बैटल होने वाला है। कोई फायदा नहीं हुआ आज। हाँ, मेरा स्टाइल नहीं, बस बाजी मार दी। आप दोनों आपस में डिसाइड करिए कि कौन पहले जाएगा। तबू सीनियर है, उसे शुरू करने दो। अच्छा अच्छा, लंबी जरूर हूँ लेकिन सीनियर नहीं हूँ। जब आपको पहली फिल्म मिली थी तब हमको लॉलीपॉप मांगने पे थप्पड़ मिलता था। बचपन में ही तुम्हारी हाइट इतनी थी क्या? मैंने देखा है हम नौजवान में, अरे तो तब क्या सीढ़ी लगा के तुम्हें थप्पड़ लगाते थे? जी भाई उसमें चाइल्ड आर्टिस्ट थी मैं, वही तो मिस इंडिया तो नहीं थी, आप तो मिस इंडिया हो गए थे ना 86 में। मगर एक बात है, मेरी फिल्म आई थी 86 में,
इनकी फिल्म आ गई 85 में, ये कैसे? तब मैं पालने में थी। चाइल्ड आर्टिस्ट। एक मिनट। मैं भी फिल्मों में ही बड़ी हुई थी। जुई जी, तबू जी, हमने तो रैप बैटल करने कहा था, आप लोग तो सच में बैटल करना शुरू हो गए। काम करते हैं, आप दोनों पहले मत जाइए, मैं ही पहले चला जाता हूँ। जाओ जाओ, जाके दिखाओ। कैन वी ड्रॉप द बीट? जूही जी है ट्रेंड सिंगर, यही बात है प्यारी। जूही जी है ट्रेंड सिंगर, यही बात है प्यारी। तब्बू जी, लड़ने से अच्छा है इनसे कह दो सॉरी। यू ऑडियंस बोला जी। तब्बू जी नहीं डरती किसी से बात, ये आप जान लो। जूही जी कहीं हरा ना दे, उससे पहले ही माफी मांग लो। जूही जैसा सूरज अपने बॉलीवुड में उगा है, ऐसे क्यों हंसती हो? गले में स्पीड ब्रेकर लगा है।